प्रदेश में बिपरजॉय तूफान के कारण लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिससे उमस का दौर जारी है। राज्य में अगले 3 दिन तेज बारिश और तेज रफ्तार की आवाज चलने का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ अधिकांश जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी है। बिपरजॉय तूफान के 8 से तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। बिपरजॉय तूफान का असर प्रदेश के अधिकांश जिलों में 15, 16, 17 जून को होगा। प्रदेश में तेज आंधी बारिश की चेतावनी दी गई है। 15, 16 जून को जोधपुर उदयपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं 17 जून को अजमेर संभाग में तेज रफ्तार से हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ मौसम विभाग ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि तूफान के समय सुरक्षित स्थान पर रहें, घर से बहुत जरूरी काम होने पर ही बाहर निकले। आंधी बारिश के बीच 44 डिग्री के पार तापमान पहुंच गया है। इसी के साथ मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में बिपरजॉय तूफान के प्रभाव से कमी होने के संकेत भी दिए हैं। इस तूफान का असर प्रदेश के कुछ जिलों में होगा, जिससे प्रदेश में गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। खबर जयपुर से है। संभावित बिपरजॉय तूफान को लेकर मुख्य सचिव उषा शर्मा बैठक ले रही हैं। सभी जिला कलेक्टर से तैयारियों का फीडबैक लिया जा रहा है। बैठक में आपदा प्रबंधन सचिव पीसी किशन भी मौजूद हैं। कर्नल भारतीय सेना मुख्यालय 61 सब एरिया जयपुर स्टेशन, कमांडर एयरफोर्स स्टेशन जयपुर, SDRF कमांडेंट, NDRF सहायक कमांडेंट नारेली, अजमेर निदेशक भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर, उप निदेशक नागरिक सुरक्षा विभाग, उप निदेशक कृषि विभाग जयपुर भी बैठक में मौजूद है। गुजरात से शुरू हुए बिपरजॉय चक्रवात को लेकर जोधपुर में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिला प्रशासन ने इसको लेकर संबंधित विभागों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की है। साथ ही संबंधित विभागों को बिपरजॉय चक्रवात से निपटने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मदन लाल नेहरा ने बताया कि मौसम विभाग की सूचना के बाद प्रशासन ने आपदा प्रबंधन के साथ ही नगर निगम डिस्कॉम के साथ फील्ड में कार्यरत SDM और तहसीलदार को निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन की टीम को 24 घंटे मुस्तैद रहने के साथ ही नगर निगमों को नालों की सफाई और तूफान के दौरान आने वाले व्यवधान को लेकर तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही डिस्कॉम को भी विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद रहने के तैयार रहने के निर्देश दिए गए। आपदा प्रबंधन के कल एक सभी विभागों की बैठक करके और सभी विभागों को इस विपर्जय की जो तैयारी के लिए निर्देश दे दिए गए थे। सभी जो फील्ड के अधिकारी है हमारे SDM तहसीलदार, उनको अपने मुख्यालय पर रहने के लिए और सारी बचाव की तैयारियां करने के लिए निर्देश दिया।